अब कुछ से कुछ बोल रहे हैं तो 2 करोड़ खोजना चाहिए। जिनको 2 करोड़ देना था वो 2 लाख भी दे पाएगी नहीं, ये तो उनको तय करना चाहिए। आप लोग जिसको चलाओगे नहीं, आपकी हिम्मत नहीं चलाने की। तो जो काम करने वाली सरकार है अपने काम में लगी है, जिनको लफाजी करना है, जुमलेबाजी करनी है, वो अब जुमलेबाजी में लगे हुए हैं। अरे अमित शाह जी आवे, गृह मंत्री आवे, प्रधानमंत्री आवे, बिहार माने से तो कोई उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ऐसे 56 इंच के सीने वाले कहाँ गए, तो चीन जो है तोगलान में घुस चुका। ऐसे में इसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी लगातार जिस तरीके से नियुक्ति पत्र को लेकर जो नियुक्तियां की गई है 1,20,336 उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस नियुक्ति पत्र पर और उस तमाम छात्रों पर जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने सीधे शब्दों में कहा कि दोगलान में घुस चुका है चीन, वो दिखाई नहीं दे रहा है भाजपा के लोगों को। और नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, जहां 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी वहां अभी तक नौकरियां मिली नहीं, लेकिन बिहार सरकार लगातार नौकरियाँ दे रही है। ऐसे में एक बार फिर से 1 लाख के आसपास लोगों की नियुक्तियां की जाएगी और नियुक्तियां पत्र बांटी जाएगी। लेकिन बीजेपी का काम सिर्फ सवाल खड़ा करना है, बल्कि ये नहीं कि जो बिहार सरकार काम कर रहे हैं उसे बताने का। जो शिक्षा मंत्री ने ये सवाल बीजेपी से पूछे हैं और 56 इंच के सीना यानी प्रधानमंत्री से पूछे हैं, जब वो सरकार में आने से पहले 56 इंच का सीना दिखाने की बात कही थी, वो 56 इंच का सीना कहाँ गया, क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री रावड़ी आवास से निकलने के बाद, पहले वो आप जरा गौर से सुने। ये जो अंक गणित है तो गणित बीजेपी सीखना पड़ेगा सर, ये बताइए जो गणित वो बता रहे हैं आप लोग, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, सब चीज कैलकुलेटेड है आपके सामने है। अब कुछ से कुछ बोल रहे हैं तो 2 करोड़ खोजना चाहिए। जिनको 2 करोड़ देना था वो 2 लाख भी दे पाएगी नहीं, ये तो उनको तय करना चाहिए। आप लोग जिसको चलाओगे नहीं, आपकी हिम्मत नहीं चलाने की। प्रतिवर्ष 2 करोड़ जिनको देना था, 2022 तक आय दुगुनी करनी थी किसानों की, सीमा सरहद की चौकसी शानदार करनी थी, 56 इंची वाले थे, चीन घुसा हुआ है दोकलाम में, बोलने का हिम्मत नहीं। आप लोग भी नहीं चलेंगे, आप लोगों को बोलने से क्या फ़ायदा है, आप तो वही चीज़ चलेंगे जो निगेटिव नेगेटिव होगा उसका। मान्य देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हो कि 1.25 लाख के आसपास बहाली हुई, आप 1 लाख से ज़्यादा ही कह दो, कुछ चैनल आपके चला रहे हैं उनके पास ज़्यादा गणना सटीक है, फिर 1 लाख से ज़्यादा, 1,10,000 के आसपास फिर बहाली होने वाली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो जो सरकार का संकल्प है, जिस संकल्प पर हम लोग चुनाव में गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन 15 अगस्त 2022 से देख रहे हैं आप लोग सर, तो जब उस समय से ये बातें चल रही है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देनी है, 10 लाख लोगों को रोज़गार देना है, सरकार उस दिशा में अपना काम कर रही है। तो जो काम करने वाली सरकार है अपने काम में लगी है, जिनको लफाजी करना है, जुमलेबाजी करनी है, वो अब जुमलेबाजी में लगे हुए हैं। अमित शाह आ रहे हैं कल मुजफ्फरपुर के दौरे पर। अरे अमित शाह जी आवे, गृह मंत्री आवे, प्रधानमंत्री आवे, बिहार माने से तो कोई उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ऐसे भी अब इंडिया गठबंधन देश में छाएगा, समाजवाद आएगा, सामाजिक न्याय जिंदा होगा, नफरतवाद जाएगा, संप्रदायवाद भागेगा। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए जो है चीन की बात कही, चीन जो है तोगलान में घुस चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं घुसपैठियाँ बढ़ चुकी है, वो कहाँ गए 56 इंच के सीने वाले, और अब बिहार के लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र दी जा रही है और पूरी तरीके से पारदर्शिता तरीके से परीक्षा हुई बीपीएससी के द्वारा और लोगों को नियुक्तियाँ भी की गई, अब आगे भी नियुक्तियाँ की जाएगी। 1 लाख के से अधिक जो नियुक्तियाँ बची हुई है वो भी नियुक्तियाँ जल्द की जाएगी। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। अपने सहयोगी कैमरामैन सरवन राज के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।